हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीपी क्लासेस। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, जो कि चैप्टर 7 है एनसीईआरटी बुक का। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले मैं चाहूँगा कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ही कह रहा, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6-4 एंड -2-7। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे कहने का मतलब है कि यहां पे जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो यहां पे जो एक लाइन है ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, तो जो ए पॉइंट है ये है 6-4 और जो बी पॉइंट है यह है -2-7। तो ये जो वाई एक्सिस है, इस ए बी को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है जो पी पॉइंट है, ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं ये जो पी पॉइंट है, इसके लिए एक्स 0 होगा और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस पी पॉइंट को हमें निकालना है और साथ में ये भी निकालना है कि जो ये वाई एक्सिस है, इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 और m2। तो यहाँ पे हमें निकालना है m1 रेशो m2 कि ये क्या है, और साथ में ये जो p पॉइंट 0 और y, तो इसमें हमें सिर्फ y की वैल्यू निकालनी है कि ये क्या है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। तो जो हमको गिवन है वो है a और b पॉइंट। तो a है 6-4 और जो b पॉइंट है ये है -2 और -7। तो हम इसको बारी बारी से इसको x1 और y1 लेट कर लेते हैं, x1 y1, और ये x2 है और ये y2। तो और जो p पॉइंट है ये है 0y और हम इसको यहाँ पे xy कंसीडर करेंगे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो ये जो p पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा m1x2 + m2x1 / m1 + m2। तो ये x x के लिए हो गया जो कि ये है। फिर y के लिए इसी तरीके से हम लिख सकते हैं m1y2 + m2y1 और m1 + m2। तो अब ये जो m1 है m1 और जो x2 है, तो ये है -2 + m2। तो m1 और m2 तो हमको निकालना ही है। x1 ये हो जाएगा 6 / m1 + m2। तो यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं है, तो हम इसे एज इट इज़ m1 + m2 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से m1 और y2 है -7, यह जाएगा -7। फिर + m2, तो m2 ये हमें नहीं पता, तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। और जो y1 है यह है -4। तो जैसे मैंने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 करके लिखा है, x y है और फिर रेशियो के लिए m1 m2, वैसे ही आपको भी लिखना है ताकि इससे कोई गलती ना हो सके। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसको इसके साथ, तो ये -2 m1 और ये हो जाएगा 6 m2 / m1 + m2। फिर इसी तरीके से इधर सॉल्व करेंगे तो -7 m1 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -4 m2। फिर नीचे है m1 + m2 और ये है p0 और y। अब जब हम बारी बारी से इसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करेंगे, मतलब इधर से x और इधर से x, जो कि 0 दिया हुआ है, तो 0 = -2m1 + 6m2 / m1 + m2। अब जब ये m1 + m2 जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0 = -2m1 + 6m2। तो इधर नीचे जो डिनोमिनेटर है, इस 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया और सिर्फ इतना बच गया, तो वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब इसके बाद
ये जो माइनस टू एम वन है जब ये इधर आएगा तो टू एम वन इज इक्वल टू इधर बच जाएगा सिर्फ सिक्स एम टू। अब जैसे ये एम वन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते तो नीचे से ऊपर चले जाता है, अब हम ऊपर से नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा एम टू नीचे, इधर पहले से सिक्स है और जो टू एम वन के साथ में है ये आ जाएगा सिक्स के नीचे। तो जब हम इसको कट करेंगे तो टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो एम वन रेशो एम टू इज इक्वल टू थ्री इज टू वन। तो M1 और M2 को हम इस तरीके से रेशो में लिख सकते हैं और 3:1 को इस तरीके से रेशो में लिखेंगे। तो जो हमको ये कह रहा था M1 रेशो M2 निकालने के लिए वो हम निकाल चुके हैं। और एक जो P पॉइंट है अब हमें ये निकालना है, तो क्योंकि हमको पता लग गया कि जो M1 M2 है ये 3:1 है, तो जब जैसे हमने यहाँ पे इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट किया है इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट है हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखना है इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये जो y है वो इस y के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस सेवन और m1, और m1 क्या है यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। फिर है उसके बाद माइनस फोर एम टू, तो माइनस फोर और m2, और m2 यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे इसके साथ 1 लिख लेंगे। और फिर नीचे है m1 प्लस m2, तो m1 और m2 3 और 1 है तो हम यहाँ पे 3 और 1 लिख लेंगे, तो 3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 21 माइनस 4 अपॉन 3 और 1 ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 4। तो जो y है ये आ जाएगा माइनस 25 बाय 4। तो इस तरीके से ये जो y कोऑर्डिनेट है ये भी निकल गया। तो दस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन इज पी 0 माइनस 25 बाय 4 एंड रेशो इज 3:1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो और पार्ट है इसमें ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, तो शो दैट द पॉइंट्स 7 10 माइनस 25 एंड 3 माइनस 4 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है। तो जो पॉइंट्स हैं हम इसको लेट कर लेंगे सबसे पहले ए बी और सी, और अगर हम किसी भी दो साइड को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल हो जाएगा। तो करते हैं प्रूफ इसको। तो 29th क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि जो ए पॉइंट है ये हो जाएगा 7 10, फिर ये जो बी पॉइंट है माइनस 2 और 5, और जो सी पॉइंट है ये है 3 माइनस 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोसेलस ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए दो साइड इक्वल करेंगे, उसके बाद हम राइट ट्राइंगल प्रूफ करेंगे, और इन सब के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को यूज़। डिस्टेंस फार्मूला, तो जो ए बी है, तो अगर ए बी अगर ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा x2 है माइनस 2 और ये माइनस, और जो x1 है ये है 7, तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 ये है 5 और जो y1 है ये है 10, तो 5 माइनस 10 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो गया माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 इसका स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 अंडर रूट, तो 5 और 1 ही होता है 6 और 8 और 2 ये हो जाएगा 10। तो ये आ गया ए वी का डिस्टेंस इतना यूनिट 106 यूनिट। फिर यहाँ पे अगर हम बी सी को निकालें डिस्टेंस फार्मूला से, तो बी सी हो जाएगा जो यहाँ पे इसका डिफरेंस इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर। तो अब जैसे हमने ये एक फार्मूले में हमने एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर निकाला है, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर निकाला है, इस तरीके से हम बीसी में भी कर सकते हैं। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है
तो इसको हम लिखेंगे माइनस टू माइनस थ्री या फिर माइनस थ्री और माइनस टू, तो एक ही बात है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से जो इसका डिफरेंस है तो ये हो जाएगा फाइव माइनस माइनस प्लस फोर और इसका स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 और 9 9 जा 81, तो 5 और 1 ये हो जाएगा 6 और 8 और 2 ये हो जाएगा 10 अंडर रूट, तो 106 यूनिट ये BC का डिस्टेंस हो गया। और फिर इसी तरीके से अगर हम AC का डिस्टेंस निकालें तो ये आ जाएगा, तो इसका जो डिफरेंस है 7 और 3 का, तो 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4, तो 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 4 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 6 और 6 ये हो जाएगा 12 और 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, तो ये जो एसी है ये आ गया 212 अंडर रूट यूनिट, तो इतना यूनिट ये एसी का आंसर है। तो अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम बनाएं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो क्योंकि ए बी बी सी और ए सी में से जो ग्रेटर लेंथ है ये 212 है, तो ये 212 हो सकता है और बाकी दोनों एक जैसे हैं और ये छोटे हैं, तो जो छोटे होते हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि दोनों छोटे होते हैं हाइपोटेन्यूज से, तो ये हो जाएगा 106 और 106। लेकिन ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ये बना रहा है या नहीं ये हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ पे ए बी और सी हो जाएगा ये, तो सबसे पहले हमको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके और इसका जो स्क्वायर है अगर इस दोनों का स्क्वायर का सम अगर इसके बराबर आ जाता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 106 अंडर रूट इसका स्क्वायर और 106 अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये आ गया 106 क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और ये भी आ जाएगा 106 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ गया 212, तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम ए सी स्क्वायर करें तो जो ए सी है ये 212 ऑलरेडी है, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 212, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस जो ए बी स्क्वायर है प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो रहा है एंड ए बी जो ए बी है ये 106 अंडर रूट है और जो बी सी है 106 अंडर रूट है, तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो देयर फोर जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं 7 10 माइनस टू और फाइव एंड थ्री माइनस फोर आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों कोऑर्डिनेट है ये वर्टिसेस हैं किसी भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल का, मतलब जिसमें राइट एंगल भी बनता हो और दो साइड इक्वल भी हो, तो ये दो साइड इक्वल भी है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू सो मच।